दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे ZC वर्सेस AFK के बीच जो होगा पहला मैच क्रोएशिया T10 का। इन डेप्थ दोनों ही टीम के बारे में आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग के कम्बिनेशन क्रिएट कर पाओ। मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, हमने कवर करना है दोस्तों ओमान D10, उसका वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा आपको फाइनल डेमो टीम टेलीग्राम पे। प्लस आपको मिलने वाला है ट्राई सीरीज जो वुमेन्स T20 चल रहा है, उनके भी फाइनल अपडेट एंड डेमो टीम टेलीग्राम पे एंड वीडियो लाइव हो जाएगा। तो आप अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक ऐड कर दिया टेलीग्राम चैनल का। अब आते हैं इस मैच के एनालिसिस में, ठीक है। मैडोस्ट क्रिकेट ग्राउंड ज़ग्रेब क्रोएशिया में 95-105 एवरेज स्कोर है। रन इस सीरीज में कम दिखाए हमें और कम ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी बैटिंग बहुत पोर दिखेगा। 25 मैचेस से 11 बैट पर 7 बैट से 6 अबंडेंट हो चुके हैं। ZC अपने 3 मैच नो रिजल्ट होने के बाद फाइनली लास्ट मैच विन किया, उससे पहले 2 हारा है और दोस्तों 2 ही हारा है और बाकी सब मैच जीता है। तो टीम ने ना अच्छा खेला है। ZC कुलकर्णी ओपन करेंगे, अंसर गोविंदा राज, फिर उमाजी, अनुपम सिंह, चेतन अत्री होगा बैटिंग ऑर्डर ये टीम से। तुषार कुलकर्णी देखो लास्ट मैच में कुछ नहीं किया, इन्होंने 1-31 के नॉक के अलावा ना कुछ नहीं किया, तो ओपोनेंट का विकेट कीपर अगर वेल्ले रहा तो ट्राई करेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अशरफ अंसारी देखो यार या बैटिंग या फिर बॉलिंग से वैल्यू दे रहा है तो दोस्तों मस्ट पिक प्लेयर है, ठीक है। नंबर 2 मस्ट पिक गोविंदा राजन, इंपॉर्टेंट है, 2-2 ओवर कराया है दोस्तों, ज़्यादातर मैच में मस्ट पिक प्लेयर होगा 2 प्लेयर। तीसरा प्लेयर उमाजी नहीं लेने वाले हम लोग। अनुपम सिंह यस डेफिनेटली मस्ट पिक प्लेयर, सरप्राइजिंगली लास्ट मैच में बैटिंग ऑर्डर नीचे है और परफॉर्मेंस भी नहीं आया बॉलिंग से भी, ठीक है, पर प्लेयर ठीक है, इससे पहले तो अच्छा ही खेल रहा था तो मस्ट पिक प्लेयर है। थर्ड चेतन अत्री फोर्थ इंपॉर्टेंट प्लेयर है बहुत ज़्यादा, और कैप बीसी ऑप्शन लास्ट मैच के अलावा ज़्यादातर मैच में जहाँ पे कंप्लीट मैच हुआ है इनफैक्ट दोस्तों वैल्यू प्रोवाइड कराया तो मस्ट पिक प्लेयर हो जाते हैं हमारे लिए। मदन कुमार नहीं लेंगे दोस्तों। अंग बाजागन नंबर ऑफ बॉलर देख के यूज़ कर सकते हो, ओवर का गारंटी नहीं है, 1-1 ओवर डाला और एक मैच में सिर्फ 2 ओवर डाला है अब तक। अमित को इग्नोर करेंगे, बंटी रहे एक आधा ओवर इग्नोर करते हैं। ओपनिंग बॉलिंग अनुपम अंसारी और अत्री, डेथ में करेगा प्रभाकरन, अनुपम और बंटी रहे, ठीक है। ये रहा अच्छा प्लेयर कार्तिक गुप्ता, मस्ट पिक प्लेयर, पब्लिक इसको कैप बीसी भी ट्राई करेगा, बैटिंग से अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर लेता है। प्रीतिश पावर एक और अच्छा प्लेयर है जो बैट बॉल दोनों से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और इन्होंने एक मैच में तो 4 फॉर भी निकाला तो मस्ट पिक प्लेयर हो जाता है हमारे लिए अगर खेलते हैं दोनों प्लेयर, ठीक है, कार्तिक एंड प्रीतिश। बाकी वीरामूर्ति देखोगे तो दो मैच खेला जहाँ पे दोनों मैच में विकेट है इसके पास, अच्छा डिफरेंशियल बन सकता है आपके लिए, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्लेयर्स AFK लॉस्ट वोन नो रिजल्ट, इनसे अगर देखोगे करकिन ओपन करेंगे यानार के साथ, नूर अहमद, एलिस होगा बैटिंग ऑर्डर। करकिन अब तक अच्छा किया नहीं है, 1-4 बनाया, इग्नोर कर दे T10 मैच में, 1 मैच 1 रन 1 ओवर 0 विकेट। हसन यानर एक मैच में तो डू नॉट बैट, लास्ट मैच में रन आउट हो गया था ओपन हाथ में। नूर 1 ओवर 0 विकेट 0 रन बैटिंग से, एलिस बैटिंग से वैल्यू दे दिया 14 रन और 1 ओवर में 0 विकेट, ट्राई कर सकते हो नॉट बैट। सीहान अल्टुन डिफरेंशियल लेना है तो लो, 7 मैच 7 रन बनाया 3 मैच में T10 में 5 रन, बहुत वीक टीम है। मैसी रोस्टर किस टीम का स्टार प्लेयर है, 2 ओवर 1 विकेट 18 रन, मस्ट पिक प्लेयर हो जाएंगे ये बंदा। शाह आपको इग्नोर करेंगे, कॉसगन 1 मैच में 1 ओवर 2 ओवर, तो ये बंदा बॉल फर्स्ट ले सकते हो, 2 ओवर में विकेट ले सकते, बट 2 ओवर तो डाले ना ज़रूरी है। फारूकी 1 ओवर डाला, मोहम्मद इरशाद 2 ओवर डाले थे तो डिफरेंशियल ले सकते हैं नॉट बैड स्पेशली बॉल फर्स्ट। सिनार 1-1 ओवर डाला। ओपनिंग बॉलिंग मैसी, कॉसगन और इसरात, डेथ में इसरात, सली, एलिस और कॉसगन। एक चीज़ ध्यान दो, सिनार का T10 करियर 15 मैच में 10 ओवर है ही नहीं इसके पास, 15 मैच में 30 ओवर होना चाहिए, चलो 25 ओवर हो जाता बट 15 में सिर्फ 10, मतलब इसका ओवर का गारंटी नहीं है, 4 विकेट, ठीक है। फारूकी 14 T10 मैच में सिर्फ 9 ओवर, इसका भी ओवर का पूरा करने का गारंटी नहीं है। कॉसगन 15 T10 मैच में सिर्फ 11 ओवर डाला है, इसका भी गारंटी नहीं है बट लास्ट मैच में 2 ओवर डाला। तो ये टीम से ना एक ही प्लेयर है मैसी रोस्टर जो टर्की के लिए इंटरनेशनल खेलते हैं, 62 T10 मैच 55 विकेट 106 ओवर, बहुत तगड़ा ऑप्शन है, ये सबसे बेहतरीन प्लेयर है और एक लौता बेहतरीन प्लेयर है जिनको आपको इन एनी कंडीशन लेना चाहिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल टीम बहुत ज़्यादा वीक है। अब चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में, कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए, एहसान T20 खेला है, 8 मैच 7 ओवर 3 विकेट 71 रन भी है, यूज़ करना है तो करो बट ओवर का इसका भी गारंटी नहीं है। T10 मैच में 7 मैच 10 रन कुछ नहीं किया।
रिसेंटली टीम इंडिया में देखो 39 के अलावा इन्होंने कुछ किया भी नहीं है। अब चलते हैं फटाफट से ड्रीम इलेवन टीम में। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और जुड़ जाओ टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक एडेड है। फिलहाल दोस्तों जो टीम बनेगा ना मेरा, मैंने देखो पास्ट लाइनअप में आते हैं, सबसे पहले ना ZC से मैं दो प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा, एक रहा कार्तिक गुप्ता और एक रहा पृथ्वीश पावर। खेलते हैं तो जहर पी गोंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन यही दो हो जाएगा, अगर नहीं खेलते तो हटा देंगे, ठीक है। अंसारी लेना ज़रूरी है, कुलकर्णी ओपन आ गया था तो ले लेते, ओपोनेंट कुछ खास है भी नहीं। यहाँ से उमा से डिफेंशियल लेना है तो लो, ए सिंह सी अत्री बहुत ज़रूरी प्लेयर है। अंग भाजन को मैंने रख लिया क्योंकि ओपोनेंट देखते हैं दोस्तों। उमा जे बहुत ज़्यादा डिफेंशियल लेना है तो कुछ खास किया तो नहीं है, नहीं ले सकते। एम कुमार को भी, ये बंदा विराजन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। एक और प्लेयर के बारे में मैंने बताया था अगर खेलता है तो, ये वीरामुतु अगर खेलता है तो मस्ट पिक हो जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, खेलते तो मस्ट पिक होंगे। मैसी रोस्टर यहाँ से ले लेते हैं, कॉसगन बिकॉज दो ओवर डाला ले लेते हैं, और एक प्लेयर हमारे पास अभी भी है ऑप्शन लेने लायक तो एलिस को ले लेता हूँ क्योंकि बैटिंग से 14 रन बना दिया था और बॉलिंग भी कर लेगा, ठीक है। कैप विसी में वाइस कैप्टन एंड कैप्टन बनेंगे दोस्तों, यही बनने वाले। कहाँ गया पृथ्वीश पावर भैया मेरा, ये रहा कैप विसी, यही रहेंगे अगर ये दोनों नहीं खेलते हैं। वैसे में दोस्तों हम लोग ओस्टक को बॉल फर्स्ट कैप विसी बना सकते हो अलोंग विथ सी अत्री के साथ, ठीक है। फिलहाल ये रहेगा कवरेज, कुछ भी अपडेट आता है अगले मैच के कवरेज के साथ, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू दोस्तों।